जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य से संबंधित निरंतर जो हमारी 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है उसी का ये पार्ट 3 है। ठीक है, इसके पहले के 2 पार्ट जरूर देखें और 3 पार्ट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पद्मावत का लेखक कौन है, आपको प्रश्न क्रमांक 101 का उत्तर बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो आप हमारे हमें इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर इंस्टाग्राम में आपको सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, फेसबुक में सर्च करना है सुमित जैन, टेलीग्राम में सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो पद्मावत का लेखक कौन है हमें बताना है, जायसी है, मंझन है, आलम या फिर उस्मान, कौन है पद्मावत के? तो सभी लोगों को पता है कि जो पद्मावत के लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है, जायसी को, कुतुबन को, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन को, प्रश्न क्रमांक 102। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है कुतुबन। कुतुबन यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। इनकी एक रचना है मृगावती, है ना, मृगावती, और मृगावती को इन्होंने प्रथम रचना माना है और प्रथम जो है कवि माना है कुतुबन को। अगला है दोस्तों, अष्टछाप की स्थापना कब हुई, प्रश्न क्रमांक है 103। अष्टछाप की स्थापना बताना है कब हुई है, जल्दी से बताएं, सभी लोगों को पता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, अष्टछाप की जो स्थापना हुई वो हुई 1565। सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला दोस्त है सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है, सूरदास की भक्ति पद्धति का जो मेरुदंड है वो कौन सी भक्ति है, वैष्णव भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति या पुष्टि मार्गीय भक्ति, 104 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास की भक्ति पद्धति का जो मेरुदंड है वो है पुष्टि मार्गीय भक्ति, यानी कि जो दा नंबर है, जो 4 नंबर है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं, प्रश्न क्रमांक 105 का उत्तर बताना है, दादू दयाल की, लाल दास की, मलुक दास या फिर सुंदर दास की। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, प्रश्न क्रमांक 105 और 105 का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सा यानी कि मलुक दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कबीर किसके शिष्य थे, रामानुज के, रामानंद के, शंकराचार्य या फिर नानक देव के, कबीर किसके शिष्य थे, प्रश्न क्रमांक 106। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, रामानंद के 12 शिष्य थे दोस्तों, और 12 शिष्यों में एक थे कबीर। ठीक है, तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। चंदायन किस लेखक की रचना है, प्रश्न क्रमांक 107। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, चंदायन जो मानी जाती है दोस्तों वो मानी जाती है मुल्ला दाऊद की, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है ढोला मारूरा दुहा की रचयिता कौन है, प्रश्न क्रमांक 108। ढोला मारूरा दुहा की रचनाकार बताना है कल्लोल, नंददास, आलम या फिर नारायण दास, प्रश्न क्रमांक 108। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ढोला मारूरा दोहा के जो रचयिता माने जाते हैं, यहाँ पर कल्लोल दिया है तो आप कल्लोल लगाएंगे, कहीं कहीं पर कुशल लाभ भी मिलता है, तो कल्लोल दिया है तो कल्लोल और कुशल लाभ दिया है तो कुशल लाभ। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो किस रामायण को, आनंद रामायण को, रागबोल्लास रामायण को, अध्यात्म रामायण या फिर वाल्मीकि रामायण को, किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है, प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में लिखें, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डी यानी कि वाल्मीकि रामायण। ठीक है, अगला देखो, जानकी हरण का रचयिता कौन है, जानकी हरण का रचयिता बताना है कुमारदास, भवभूति, माधव भट्ट या फिर धनंजय,
तो जानकी हरण का रचयिता कौन है, प्रश्न क्रमांक 110। और राइट आंसर आपका होगा कुमार दास। कुमार दास यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, कुमार दास। ठीक है, अगला है रज्जव, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? तो किस पंथ के थे? नानक पंथ के, दादू पंथ के, कबीर पंथ के या इस्लाम पंथ के? रज्जव, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे, प्रश्न क्रमांक 111। और आपको बिल्कुल सही आंसर बताना है, तो राइट होगा क्या? दादू पंथ, वी नंबर। अगला है दोस्तों, रामलला नेहचू किसकी रचना है? तुलसीदास की, रहीम की, केशवदास की या फिर नाभादास की? रामलला नेहचू बताना है, प्रश्न क्रमांक है 112। और 112 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तुलसीदास जी की। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। ठीक है, रामलला नेहचू के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, है ना। तो रामलला नेहचू आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तुलसीदास। ठीक है, अगला है विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? कहां पर हुआ था विद्यापति का जन्म, प्रश्न क्रमांक 113। और 113 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विद्यापति का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बिहार में। बिहार यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहां पर राइट होगा। ठीक है, किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? तो किस संप्रदाय में है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय? प्रश्न क्रमांक 114 का उत्तर तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निम्बार्क संप्रदाय, यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 114 का। ठीक है, अगला है तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? दास भाव, प्रेमा भक्ति भाव, पुष्टि मार्गी या फिर रागानुरागा भक्ति? 115 का तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दास भाव, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अष्टचाप के दार्शनिक गुरु कौन है? रामानंद, निम्बार, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य? 116 का आंसर हमें बताना है, अष्टचाप के दार्शनिक गुरु कौन है? तो अष्टचाप के जो दार्शनिक गुरु हैं वो हैं वल्लभाचार्य, यानी कि जो बिल्कुल आपका सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? गीता, महाभारत, रामायण या फिर भागवत? प्रश्न क्रमांक 117 का उत्तर बताना, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ बताना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों भागवत, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर भागवत सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है मैं कहता हूं आखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन थे? कुंभनदास थे, दादू दयाल थे, रज्जव या फिर कबीरदास थे? 118। मैं कहता हूं आखन देखी, तू कहता है कागज लेखी, ये कबीरदास का कहने वाले भक्त जो थे कबीरदास थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भक्तन को कहा सीकरी सो काम किस कवि की पंक्ति है? परमानंद दास की, कृष्णदास की, कुंभन दास की या फिर कबीरदास की? प्रश्न क्रमांक 119, भक्तन को कहा सीकरी सो काम किस कवि की पंक्ति है? और 119 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये पंक्ति तो कुंभन दास की है, सा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? महाभारत से, विद्यापति की पदावली से, गीत गोविंद से या फिर भागवत पुराण से? 120 का आंसर हमें बताना है कि सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागवत पुराण से, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है इन कवियों में कौन सा कवि अष्टचाप से संबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कुंभन दास, केशवदास, सूरदास या कृष्णदास? 121 का आंसर बताना है, इन कवियों में कौन सा कवि अष्टचाप से संबंध नहीं है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा केशवदास, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है ये रीतिकाल के कवि थे, रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों की कवि माने जाते हैं केशवदास, और बा नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? तो किस भाषा में की गई? अवधि, खड़ी बोली, हिंदी, ब्रज भाषा या फिर मैथिली? तो 122 का उत्तर हमें बताना है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा
उत्तर होगा व्रजभाषा। तुलसीकृत विनय पत्रिका की जो रचना है वो क्या है, व्रजभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है, रतन बाबनी, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका या फिर कवि प्रिया। 123 का आंसर बताना है, केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है, और 123 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कवि प्रिया, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन है, गोकुलनाथ, नावादास, यदुनाथ या फिर हरिराय। 124 का आंसर, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गोकुलनाथ, ए नंबर, आ नंबर आपका सही हो जाएगा गोकुलनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है वरवे रामायण किसकी रचना है, वरवे रामायण तुलसीदास की, नरहरि वारहट की, केशवदास की या प्राणचंद चौहान की। 125 का आंसर वरवे रामायण किसकी रचना है, तो वरवे रामायण ये रचना है तुलसीदास, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा तुलसीदास जी की। ठीक है, अगला है कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है, तो कृष्ण कर्णामृत, गीत गोविंद, कंस निधन महाकाव्य या फिर ध्वन्यालोक। कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है, 126 का आंसर आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा है, गीत गोविंद, गीत गोविंद यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला है सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है, सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है, भाव प्रकाश है, 84 वैष्णव की वार्ता है, सूर सागर सारावली है या फिर साहित्य लहरी है। प्रश्न क्रमांक 127 का उत्तर बताना है कि सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन सा है, तो आंसर होगा दोस्तों बी, 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, बी नंबर। अगला है नानक देव का संबंध किस प्रवृत्ति से है, सगुणवाद से, नाथ पंथ से, निर्गुणवाद या सूफी मत से। 128 का आंसर बताना है नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों निर्गुणवाद से, निर्गुणवाद यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर राइट हो जाएगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है, 129 का आंसर यहां पर बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तुलसीदास, आ नंबर। ठीक है, किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया, सगुण काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा या संत काव्यधारा। किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया, तो 130 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा किस काव्यधारा के अंतर्गत, उत्तर हो जाएगा संत काव्यधारा, यानी कि दा नंबर जो है वो बिल्कुल सही होगा। भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है, तो भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया, कृष्ण काव्यधारा, सूपी काव्यधारा, सगुण काव्यधारा या निर्गुण काव्यधारा। 131 का आंसर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सूफी काव्यधारा, बी नंबर। ठीक है, अगला देख लो कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है, कृष्ण गीतावली के रचयिता बताना है 132 का आंसर, तो कृष्ण गीतावली की जो रचनाकार माने जाएंगे वो माने जाएंगे कौन, तुलसीदास, यानी कि सा नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है या लकुटे अरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तजिडारो, इस पंक्ति की रचना किसने की, 133 का आंसर सूरदास ने, रत्नाकर रस खान या फिर नंददास ने। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तजिडारो, इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों रस खान, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है रस खान बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है, तो किस भाषा में, 134 का आंसर बताना मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, और पद्मावत किस भाषा में है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा दोस्तों अवधि, अवधि यानी कि सा नंबर आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा।
अगला देखो मीराबाई की भक्ति किस भाव की है, वात्सल्य भाव की, माधुर भाव की, सख भाव की या फिर दास भाव की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 135 का उत्तर, 35 का उत्तर हो जाएगा मीराबाई की जो भक्ति है वो है दोस्तों माधुर भाव, यानी वी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जा के प्रिय ना राम बेदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है, कवितावली से, गीतावली से, विनय पत्रिका से या फिर रामचरितमानस से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका यानी कि जो सा नंबर है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लो, इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है, सूरदास को, श्रीधर पाठक को, रसखान को या सत्यनारायण कवि रत्न को। किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है, प्रश्न क्रमांक 137 और 137 का आपका बिल्कुल सही जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सत्यनारायण कवि रत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। ब्रज कोकिल डी नंबर, द नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा। अगला है संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कौन कवि थे, जल्दी से बताओ, रज्जब, दरिया, सुंदरदास या दादू दयाल। 138 का आंसर, आंसर क्या हो जाएगा 138। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन थे, सबसे अधिक जो पंडित थे वो कौन थे। देखो सबसे अधिक पढ़े लिखे की बात आती है तो सुंदरदास थे, है ना, पंडित जो थे वो दादू दयाल यानी कि दा नंबर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुल्हन गाबहू मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है, तो किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रसखान। 139 का आंसर बताना है, दुल्हन गाबहू मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है, तो 139 का आंसर बताना है। और 139 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सूरदास, सा नंबर। ठीक है, अगला देखो रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 5, 12, 8 या फिर 7। तब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 यानी कि जो डी नंबर है वो करेक्ट होगा। अगला है मानुष प्रेम भयो बेकुंठी पंक्ति किस कवि की है, 141 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट बात कर लो, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है, 142 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, रीतिकाल को जो श्रृंगार काल की संज्ञा दी है वो दी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, 143 का आंसर। और राइट आंसर क्या होगा, कठिन काव्य का जो प्रेत कहा जाता है वो कहा जाता है केशव दास को। ठीक है, आ नंबर। अगला है दोस्तों आगे के कवि रीझे हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये पंक्तियां किस कवि की हैं, मतिराम, भिखारी दास, रसलीन या फिर बिहारी की। तो 144 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भिखारी दास की है, वी नंबर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रचना मतिराम की है, सुजान चरित, कवि प्रिया, ललित ललाम या फिर जगत विनोद। 145 का जल्दी से कमेंट में लिखो। तो मतिराम की जो रचना है वो रचना कौन सी है, ललित ललाम, यानी कि सा नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये हमारे वो है कि मोहित तो मोरे कवित्त बनावत के कवि कौन है, मतिराम जी हैं, चिंतामणि है, रसलीन है या फिर घनानंद है। प्रश्न क्रमांक 146, इसके पहले के वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहितो मोरे कवित्त बनावत, इस पंक्ति के जो कवि हैं, रचनाकार हैं, वो कौन है। तब आपका उत्तर होगा घनानंद, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुजान चरित किसकी रचना है, सुजान चरित घनानंद की, ठाकुर की, सूदन या फिर बोधा की। तो सुजान चरित की रचनाकार कौन है, प्रश्न क्रमांक 147। चार विकल्प में से एक का चयन करना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुजान चरित के जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक, तो आपका राइट आंसर होगा सूदन। सूदन यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सूदन की है सुजान चरित। ठीक है, है ना। अगला क्वेश्चन है कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है, कवि कुल कल्पतरु, चिंतामणि, देव, केशव या फिर मतिराम, किसकी है।
प्रश्न क्रमांक 148 का उत्तर हमें बताना है, कवि कुलकल्प तरु के जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो मैंने कई बार याद बताया है कि कुल की चिंता सभी को रहती है, कुल की क्या रहती है, चिंता। तो कवि कुलकल्प तरु चिंतामणि यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। रीति मुक्त कवि कौन है, आपने रीति काल में रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति बद्ध का अवधारणाएं पढ़ी होगी, तब रीति मुक्त बताना है केशवदास, घनानंद भिखारी या फिर चिंतामणि। रीति मुक्त कवि कौन है, प्रश्न क्रमांक 149। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, विकल्प नंबर वी यानी कि घनानंद, वी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, अमीय हला हल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मृत झुक झुक परत जे ही चितवत एक बार। उपर्युक्त जो दोहा है वो किस कवि का है, बिहारी रसलीन रसखान या फिर ठाकुर का। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, अगर कोई भी आपको डाउट लगते हैं तो इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में सर्च करें सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। फेसबुक में भी सर्च कर सकते हैं सुमित जैन, और व्हाट्सएप नंबर तो मैंने सभी को दिया है, तो व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिप और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो 150 का जो आपका उत्तर होगा वो होगा रसलीन, यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं है, तो कौन सा नहीं है, प्राकृत पेंगलम, छंदो मंजरी या प्रस्तुत बोध या ब्रहवारी, प्रश्न क्रमांक 151। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्रहवारीस, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका दा है वो यहां पर राइट आंसर होगा। अगला है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तो किस कवि ने नहीं लिखा, मतिराम, चिंतामणि, भूषण या फिर घनानंद, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। 152 का उत्तर हमें बताना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा तो किसने नहीं लिखा, मतिराम ने लिखा है, चिंतामणि ने लिखा है, भूषण ने भी लिखा है, नहीं लिखा तो वो नहीं लिखा घनानंद ने, और दा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है, रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है, सेनापति में, घनानंद, भिखारी दास या फिर जानकवि में। 153 का आंसर यहां पर हमें बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ए यानी कि सेनापति, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, किसकी है, घनानंद, मतिराम, बिहारी या फिर ठाकुर की। तो 154 का आपको उत्तर बताना है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहारी, बिहारी यानी कि विकल्प नंबर जो सा है वो कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अति सुदो स्नेह कुमारक है किसकी पंक्ति है, बोधा की, ठाकुर, घनानंद या फिर आलम की। अति सुदो स्नेह कुमारक है ये पंक्ति हमें बताना है किसकी है, तो बहुत पढ़ा है आपने और उत्तर हो जाएगा घनानंद, सा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, ऋतु वर्णन के लिए विशेषता रीति काल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है, ऋतु वर्णन के लिए बताना है, देव है, विहारी, सेनापति या फिर पद्माकर। 156 का आंसर, ऋतु वर्णन के लिए जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन माने जाते हैं, आ वा सादा ABCD, इस प्रकार से आप उत्तर बता सकते हैं और उत्तर होगा सेनापति, ठीक है। स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक कौन है, स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक बताना है कौन है, ब्रंद है, आलम है, बिहारी है या फिर मतिराम है। तो 157 का आंसर आपको बताना है और राइट जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वी, वी यानी कि आलम, ठीक है। स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक हैं तो वो हैं आलम, वी नंबर आपका कंप्लीट आंसर होगा। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया, किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया, ठाकुर, देव, बोधा या फिर बिहारी। तो आपका प्रश्न क्रमांक 158 का आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा उत्तर, उत्तर होगा बिहारी, यानी कि जो डी नंबर है वो यहां पर आपका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन, मतिराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है, 159 का उत्तर बताना है। तो मतिराम की प्रसिद्धि का जो आधार स्तंभ ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वो है रसराज, ए नंबर आपका सही होगा, रसराज, ठीक है। नेक्स्ट है, काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है, 160 का उत्तर बताना है, काव्य निर्णय ग्रंथ का
ग्रंथ किस कवि का है, प्रश्न क्रमांक 160। और आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों भिखारी दास, भिखारी दास का है काव्य निर्णय। नेक्स्ट है बिहारी ससई में कितने दोहे हैं, 713, 700, 715 या फिर 701। बिहारी ससई में कितने दोहे हैं, प्रश्न क्रमांक 161। और उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बिहारी ससई में जो दोहों की संख्या है साथियों वो है 713 है, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट है गे पदों की रचना कौन सी है, गे पदों की रचना बतानी सूर सागर, काव्य मंजरी, कवि प्रिया या फिर बिहारी ससई। 162 का उत्तर गे पदों की जो रचना है वो कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा सूर सागर, ए नंबर। ठीक है, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काव्य की रीति सिखइयो सुखबीन सो, यह पंक्ति किस कवि की है, चिंतामणि की, मतिराम की, भूषण या फिर भिखारी दास की। 163 का आंसर बताना है, काव्य की रीति सिखइयो सुखबीन सो, ये पंक्ति बतानी है, जल्दी से बताएं। और आपका राइट आंसर होगा भिखारी दास की, डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है, 1643 से 1843 ईस्वी, 1601 से 1800 ईस्वी, ये जल्दी जल्दी से पढ़ो, 164 का आंसर बताना है। ईस्वी में दिया है यहाँ पर, संबत में नहीं दिया है, तो उत्तर आपका हो जाएगा ए, 1643 से 1843 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है, सिद्धांत निरूपक ग्रंथ बताना है, वक्रोक्ति जीवितम, छत्र प्रकाश, पंचाध्यायी, गोपी पच्चीसी। 165 का आंसर बताना है, इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है, तब आपका राइट आंसर होगा वक्रोक्ति जीवितम, ए नंबर आपका आ नंबर बिल्कुल कंप्लीट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है सिवा बाबनी की रचयिता कौन है, गोविंद सिंह, भूषण, आलम या फिर मंडन, सिवा बाबनी के रचनाकार बताना है। तो सिवा बाबनी की रचयिता है भूषण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है, वा है, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी, मिश्र बंधु ने, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी, 167 का आंसर बताना है, अलंकृत काल, और अलंकृत काल की जो संज्ञा दी है वो मिश्र बंधुओं ने दी है, आ नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इश्क नामा किसकी कृति है, आलम की है, बोधा की है, ठाकुर या फिर द्विजदेव। इश्क नामा बताना है, 168 का आंसर बताना है। तो इश्क नामा के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बोधा कवि, बोधा यानी कि वी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है, तो रीतिबद्ध काव्यधारा से बताना है, 169 का, चिंतामणि, मतिराम, पद्माकर या फिर बिहारी। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बिहारी, यानी कि जो दा नंबर है वो कंप्लीट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत्र, भूषण बिनुना ब्राज ही, कविता बनिता मित्र। 170 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, चार विकल्प हैं, मतिराम, चिंतामणि, भूषण या फिर केशवदास। तो राइट आंसर होगा केशवदास, डी नंबर, डी नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की, तो सतसई की रचना किसने नहीं की, मतिराम ने, ब्रंद, बिहारी या फिर लाल कवि ने, किसने नहीं की, 171 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लाल कवि, यानी कि जो डी नंबर है वो कंप्लीट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है किस कवि की कविता की हृदय बेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है, तो आपको बताना है बिहारी, घनानंद देव या फिर पद्माकर। किस कवि की कविता की हृदय बेदखता को लक्ष्य करके उसे नाविक के तीर कवि कहा गया है, नाविक के तीर कहा गया है, 172 का आंसर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहारी को, बिहारी यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल कंप्लीट सही आंसर होगा। अगला है छत्र प्रकाश किसकी रचना है, छत्र प्रकाश 173, लाल कवि की, श्रीधर की, ग्वाल की या फिर मंडन की। तो 173 का आंसर बताना है, छत्र प्रकाश किसकी रचना है, तो वो है लाल कवि की, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, लाल कवि।
अगला है दोस्तों अमिदा उत्तम काव्य मद्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नबीन। यह स्थापना किसकी है? चिंतामणि, देव, भारतेंदु या फिर बालकृष्ण शर्मा नबीन। 174 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? देव। देव यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो आपका यहां पर सही होगा। अगला है सुजान विनोद किसकी रचना है? देव की, चिंतामणि, घनानंद या फिर पद्माकर की। सुजान विनोद प्रश्न क्रमांक 175 का बताना है। सुजान विनोद की जो रचनाकार है वो कौन है? आंसर हो जाएगा देव कवि। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट दोस्तों बिहारी सत्सई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? नवरस तरंग का, श्रृंगार सागर का, गाथा सप्तती का या ब्रज विलास का। 176 का आंसर बताना। बिहारी सत्सई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गाथा सप्तसती, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्ति है? रसलीन की, वृंद की, मतिराम या फिर आलम की। कुंदन को रंग फीको लगे ये पंक्ति किसकी है? 177 का आंसर बताना है। और राइट आंसर आपका हो जाएगा मतिराम। मतिराम यानी कि जो सा नंबर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरो तो गिरधर गोपाल, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की, मीराबाई रसखान या फिर रहीम की। मेरे तो गिरधर गोपाल ये जो पंक्ति है ये मीराबाई जी की है, वी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है कवितावली के रचयिता कौन है? सूरदास, कुंभन दास, मीराबाई या फिर तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार बताना। 179 का उत्तर क्या हो जाएगा सही? कवितावली के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास यानी कि जो दा नंबर है वो कम आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? 180 का आंसर बताना है। सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सा नंबर। अगला है आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया? आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया? नवलेखन काल, जागरण काल, जागरण सुधार काल या पुनर्जागरण काल। तो आपका राइट आंसर होगा पुनर्जागरण काल, डी नंबर। अगला है रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? जागरण सुधार काल, पुरानी काव्यधारा, नई काव्यधारा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण या गद्य खंड, काव्य खंड। 182 का आंसर। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? तो वो बांटा है गद्य खंड और काव्य खंड, दा नंबर। अगला है आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? ब्रज भाषा, अवधि, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। 183 का आंसर। आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्रज भाषा, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका सही आंसर होगा। किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? तो ब्रज भाषा ने। आधुनिक काल के किस द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? 184 का आंसर बताना है। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई? प्रश्न क्रमांक 184। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई? तो वो सुधार काल, यानी कि जो वा नंबर है वो आपका यहां पर सही होगा। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? 185 का आंसर बताना है। तो आधुनिक काल की जो प्रारंभ सीमा मानी गई है वो मानी गई है 1850, सा नंबर। ठीक है, अगला है दोस्तों भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। 186 का आंसर बताना है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा किसने दी है? डॉक्टर नगेंद्र ने, दा नंबर आपका सही आंसर होगा इसमें। अगला है दोस्तों आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, धीरेन्द्र वर्मा, अज्ञेय या नंदलाल वाजपेयी। आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? 187 का आंसर बताना है। आधुनिक साहित्य, तब आपका सही आंसर होगा नंद दुलारी वाजपेयी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही होगा।
अगला देख लेते, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? तो किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? भक्ति भावना का, राष्ट्रीय चेतना का, श्रृंगार भावना का या प्रकृति चित्रण का? 188 का आंसर हमें बताना है और 188 का जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप राष्ट्रीय साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? तो राष्ट्रीय चेतना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? शिवसेन सेंगर, राम कुमार वर्मा, अग्गे या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं अग्गे। अग्गे यानी कि सा नंबर यहां पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, राधाकृष्ण दास या फिर श्रीधर पाठक? भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं था? प्रश्न क्रमांक 190 और 190 का उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों श्रीधर पाठक, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब वीडियो को आपको लाइक करना है और बताना है कि आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं, कितने क्वेश्चन के उत्तर जो है आपने सही बताए हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। इसी प्रकार से जुड़े रहें और ये टेस्ट सीरीज आपकी निरंतर चलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले, पीजीटी की तैयारी, रीट आदि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य आप पढ़ना चाहते हैं, पूछा जाता है, तो जरूर पढ़ें। ऐसी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी है, विस्तृत अध्ययन भी मैंने हिंदी साहित्य का करवाया है ना, विस्तृत अध्ययन करवाया है, साथ ही बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड किए हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।